Fara. बयान नहीं कर पाए अगर चे बहुत वाजे और रोशन है मेरे मोहतरम
यहाँ अल्लाह अपने रसूल की मेहनतों के एवज जिस चीज़ का मुतालबा कर रहा है उसका फ़ायदा रसूल और आले रसूल को नहीं होगा बल्कि उजरत अदा करने वालों को ही होगा। इसमें उम्मत का फ़ायदा है कि वो नबी के इस हुक्म पर अमल करे। कल तक की मजलिस में गुफ्तगू ये हुई थी कि कुछ असाफ और अहम पैगाम ऐसे हैं कुरान मजीद में कि जिन्हें अल्लाह बयान एहतमाम के साथ आता है। अकीदा तौहीद को अल्लाह ने बहुत एहतमाम के साथ बयान किया। हसास मौजू था, हर एक का तस्लीम करना बहुत आसान नहीं था। लोग अकीदा तौहीद को सबसे मुश्किल अकीदा समझते थे जिसके लिए उन्होंने जुर्म किए, जुर्म किए और असहाब पैगम्बर को अजियतों के साथ शहीद किया। पैगम्बर को बहुत तकलीफें पहुँचाई। सारा गुस्सा भी इसी बात पर था कि ये हमारे इलाहों को पूरा कर रहे हैं और हमारे इलाह के अलावा, हमारे अल्लाहों के अलावा किसी और अल्लाह की बात न करें। अलबत्कर इनके इलाहों को तस्लीम करके नबी मुकर्रम ने कहा होता कि तुम मेरे अल्लाह को मान लो तो शायद ये मान लेते। लेकिन नबी ने ये नहीं कहा कि मेरा अल्लाह ही मान लो, बल्कि नबी ने कहा पहले अपने इलाहों का इनकार। इनकार बहुत से लोगों को खलता है। एक लहजा आपको सुनने मिलता है कि हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा ये होता है कि भी का उपमान अच्छा नहीं है, बल्कि जो अहलियत और सलाहियत जिसकी है उसको तस्लीम किया जाए। लिहाजा पैगंबर अकरम ने सारे इलामों का इंतजार करके एक अपने अल्लाह की बात की थी, लिहाजा नाराज हो गए। अल्लाह मानने में तो ये मनी थे, बहुत सारे अल्लाह मानते थे, एक अल्लाह और मान लेते। लेकिन पैगंबर ने कहा कि मैंने कहो ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, पहले इनकार करो फिर कहो इल्लल्लाह। पहले इनकार शिर्क फिर इकरार तौहीद। माशाल्लाह, अगर ये बहुत खला लोगों को और इसके बड़ा नुकसान हुआ और पैगंबर को ये नुकसान पसंद था, किसी बड़े हदफ के खाते जब नुकसान उठाना पड़े तो हदफ को देखा जाता है, नुकसान को नहीं देखा जाता। अब अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादी की खातिर जानों की कुर्बानियाँ दी जा रही हो तो हम इसलिए परेशान नहीं होते कि हमारी जानों की कोई हैसियत नहीं है हुसैन की आज़ादी नमाजें थी मगर नमाजों की रूह नहीं थी। वाह वाह,
रोजा था मगर उस रोजे से जान नहीं थी। कुरान की तिलावत की जा रही थी मगर वो लापता जमाने से ज्यादा कुछ नहीं था। हज भी हो रहा था मगर बेदम और बेरूह हो चुका था। वो जो तौहीदी हदफ और मकसद है वो इबादतों से खत्म हो चुका था। लिहाजा इमाम हुसैन के बारे में जब यजीद ने इनकार किया है अल्लाह के वजूद का, नबी की रिसालत का, कुरान के नुज़ूल का, तो इमाम हुसैन ने करबला बसा लिया और उसका जो ऐलान हुआ कि लयमत बिल लयमत बनू हाशिम बिल मुल्क बिल मुल्क बिल मुल्क जा खबर वाला अर्जुन नजर बनी हाशिम ने बिल मुल्क मुल्क का एक खेल रचाया है। न कोई वही है न कुरान है न कोई अल्लाह है मसल्ला। उस वक्त इमाम हुसैन ने ऐसे बर्दाश्त नहीं किया। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी के लिए अपना सारा घर आबादा कर दिया कि नहीं अल्लाह की मेहरबानी के खातर में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मगर जिन्हें जिन लोगों ने हुसैन के लिए को शहीद किया मारने वाले जो लोग थे वो दो बीमारियों में मुबतला लोग थे। जब मैं यूँ कहूँ कि दो इल्लतें हैं दो मुहब्बत हैं जो हुसैन कत्ल करवा देते हैं, एक खौफे दुनिया और एक खौफे अली। खौफे दुनिया कूफे वाले इस बीमारी में मुबतला थे और खौफे अली में शाम वाले मुबतला थे। शाम के लोग खौफे अली की बीमारी के बीमार थे और ये दो चीजें अगर कहीं आ जाए तो फिर करबला जैसा सामने हासिल होता है। दूसरी जो बीमारी है वो हमसे बहुत दूर है इसलिए कि उसमें खून की तासीर का मसला है, उसमें माँ बाप अजदाद के मसाइल है, उसमें माँ बाप के किरदार का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा जितना भी यहाँ बैठा है बाहर बैठा है जहां जहां बात जा रही है हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोहे में और वो जो बुग्ज़ अली वाली बीमारी है उससे मेरे मोहतरम सुनने वाले बहुत दूर है वहां। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। लेकिन मेरे पहली बीमारी है ना दुनिया वाला वो बड़ी खतरनाक है, उसमें अली वाले मुबतला हो सकते हैं और मुबतला ना हो इस बीमारी का इन्हें कोई जरासीम ना लगे, इस बीमारी का कोई इन्हें जी कोई मच्छर ना काटे। उससे बचने के लिए जिस अस्पताल में हम वैक्सीनेशन के लिए आते हैं उसे इमाम बारगा कहा है। ये हमारे अंदर एक खुद बखुद एक तरबियत अमल जारी है बजाने की सूरत ना चाहते हुए भी ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये न समझे कि बच्चों को इस मजलिस से बैठ के क्या समझ में आएगा, शायद बहुत से बड़ों से ज्यादा समझ में आता है। अपने साथ इन बच्चों को जरूर लेकर आए इसलिए कि हमें भी कोई लेकर आया था। बदिया करें अपने मरहूमिन के लिए। राजी ऐसे हैं कि कहते हैं कि या अल्लाह हाथ खाली तेरे दरबार में आता है सहज
बिना तेरे काबिल नहीं पाता है। ये सब कुछ देने के बाद भी आता है, ये सब तेरे काबिल नहीं था। उसने कहने की सजी को कबूल कर ले, जो मेरे पास था वो यही था, मेरा ये पर तेरे काबिल नहीं था, मेरा जहन मेरा पास तेरे काबिल नहीं था, मगर जो मुझे था मेरे पास वो मैंने तेरी बात आरोप पेश कर दिया। ये अंदाज है और जो मुनाजात इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ गई, तरक्कुल खल्क सारे मखलूक को छोड़ रहा हूं ताकि तेरा कुर्ब मुझे नसीब हो जाए, सुभान अल्लाह, और मैं अपने बच्चों को यतीम कर रहा हूं ताकि तेरा दीदार मुझे नसीब हो जाए। इस अंदाज से इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने मुनाजात पेश करने की बात आई थी। फर्ज मेरे मोहतरम सुनने वालों, अकीदा तौहीद एक हसास मौजू एक अहम तरीन मौजू जिसकी तरबीत और तबलीग के लिए करबला की कुर्बानी समझ रहे हैं। अल्लाह ने इसी तरह नबी मुकर्रम की बशरियत का इंतजाम किया, तवज्जो है बिस्मिल्लाह, तो उसमें भी इसी अंदाज को अपनाया जा रहा है। कुल मेरे हबीब तुम कह दो, इतना मराना बशर हो मिस्र हो, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, यू हाई नहीं है मिस्र वही मतलब होती है, अन्ना मामला हमको मिला हुआ है, मेरा तुम्हारा निलाह इलाह वाहिद है, वमन काना नर्जु लिका रब्बे जो अपने रब से मुलाकात का मुश्ताक है, फल यअमल अमलन सालिह वो ला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, उसे अमल साले अंजाम देना पड़ेगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक का करार देने की उसे इजाजत नहीं है। ये हसास एक मौजूद था जो अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए से कहना है। कमालात के पैगंबर एक तरफ, अजहत के पैगंबर एक तरफ, मौजदात नबविया एक तरफ, सरकार के बदन मुबारक से साबिर होने वाले कमालात एक तरफ, नबी के दुआ में तहत की ताकत एक तरफ, और अल्लाह के कहना है कि ये तो मेरी तरफ खुश है। मैंने कल ही अपने गुजश्ता मजलिस के अंदर ये सवाल उठाया था कि इतना बड़ा बचपन यहाँ बैठा है, कोई किसी जैसा है? कोई भी तो किसी जैसा नहीं है। अल्लाह की खिलमत का करिश्मा ही है कि हर शख्स नया है, हर शख्स रहता है, कोई किसी जैसा नहीं है, अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया। जब हम एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। तो फिर जिन्हें परवरदिगार आलम ने हजरत आदम से पहले खल्क किया हो, यानी अभी कोई है ही नहीं जब उनका वजूद है, और जब सबसे पहली मरतबा आदम के बदले में अल्लाह ने अपनी रूह डाली और फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो, तो फसल अब्दुल मलाइका इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा सबने सजदा किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसे पूछा या इब्लीस मा मना का तजुल लिमा तुझे किस चीज ने रोका है मुझसे ऐसा करने से जिसे अपने जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? सुभान अल्लाह, इस तक बढ़ता बढ़ता मिला आलिम, क्या तू मुतकब्बिर है या आलिम में से है? सुभान अल्लाह, तो मुझे सवाल करना है ना, तू जो सजदा नहीं कर रहा आदम को तो क्या मुतकब्बिर हो गया है या तू आलिम में से है? तो मुतकब्बिर होना तो समझ में आता है कि इंसान जब अपने आप से बाहर निकल जाता है तो मुतकब्बिर हो जाता है, यानी दो ही बातें हो सकती हैं, तेरा सजदा न करने की वजह, सजदा न करने की वजह, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तू मुतकब्बिर है या आदिम में से है। कुछ हस्ती ऐसी थी और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा थी जो आदम से पहले मौजूद थी और उन्हें आदम को सजदा नहीं करना था। कुछ हस्ती ऐसी हैं आदिम की तरह जो आदम की खलकत से पहले मौजूद हैं, जिन्हें सजदा नहीं करना आदम को और इधर इब्लीस ने भी सजदा नहीं किया, तो सवाल ये हो रहा है मुतकब्बिर हो गया या आलिम में से, इसलिए कि आलिम को सजदा नहीं करना था। अब आप जरा गौर फरमाएं, मेरे मौला इमाम इज़्ज़त अलैहि सलातो व सलाम जिंदाबाद।
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Yeah.
مردوں کے پرستار نہیں ہیں. ماشاءاللہ. امام حسین سے وابستہ لوگ ہیں اور امام حسین سے جڑے ہوئے لوگوں کا انداز کبھی کچھ اور ہوتا ہے. اور فرمانا تھا ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے اسی داستان کے ساتھ. ہم تو زندہ ہی مظلومیت کی بنیاد ہیں. جو انداز زندگی ہمیں نے بیٹے سے مطالعہ پیدا کیا ہے وہ انداز زندگی مظلومیت کا انداز ہے. اور مظلومیت کے انداز بڑے سیاست مظلومیت ہمیشہ سیاست مظلومیت چھوٹی ہے. ظالم کا آج ہوتا ہے مظلوم کا کل ہوتا ہے. ظالم اپنا آج مکمل کر لے یہ بہرحال سب ہو جائے گا لیکن کل ہمارا ہے. جھٹلا دینا آدمی مردم سماجوں کے لیے مستقبل تشیعوں کا ہے. انشاءاللہ آئندہ شیعوں کا ہے. آئندہ رضاداروں کا ہے. کل ہمارا ہے. ہمارے کسی طور پر بھی کوئی گھر نہیں ہوا. کسی ذہن کو کہیں اور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجلس میں ترکیب ہے مجلس سے پوری کریں گے. شاید ذہنوں کو بٹانے کے لیے بانٹنے کے لیے مختلف کرنے کے لیے بعض لوگوں کے یہاں بھی ہوتے ہو نہیں. امام حسین کے ادارے اپنے منزلوں کو طے کریں گے. آج پانچ محرم ہے. ہمیں پانچ دن مزید اور آب و تاب کے ساتھ گزارنے ہیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی گھر میں ایک شہید ہوتا ہے تو اس کی سات کشتیں بخشی جاتی ہیں. آنے والی سات نسلوں کے لیے وہ شفیع بن جائے گا وہ شہید. اس لیے ہمیں اس بات کی تو مولانا جگہ سفید کے اندر اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ سامنے شام سے لشکر آ کے کھڑا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. اپنے رشتے کے اس مولا علی نے خطاب فرمایا جو شام سے رشتہ آگے کھڑا ہے تمہارا سمجھے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. مولا کے چاچے والے نے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں بعد میں آیا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے. حضرت نے فرمایا نہیں یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. اندر کا خوف مر جائے گا تو پھر کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. اور الحمدللہ اور مدار عالم نے اس قوم کو جو زندہ رکھا ہے وہ اسی کو یاد کر رکھا ہے کہ ہمارے یہاں موت کا خوف نہیں ہے. موت کا شوق ہے. موت کا شوق بنانے کی ضرورت ہے. اور علی سے زیادہ موت کا شوق اور علی کے چاہنے والوں سے زیادہ موت کا شوق کسی اور کو شاید نہیں ہو. علی 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 علی. چلیے عید الفطر کے لیے آج مصائب کچھ زیادہ پڑیں گے اور روتے ہوئے کریا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سکیں گے نہیں. اپنے ذہن کو ریچ لیے کربلا کے پیغام کی طرح اس سزا خانے میں بیٹھ کر اپنے تصورات کو کربلا ریچ لیے. ابھی آپ حضرت علی اصغر کے جھولے یاد رہے یہ جھولا کربلا میں خالی ہو گیا تھا. اس ماں کو کدھر دل پر اس ماں کے جگر پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچے کا خالی جھولا کربلا میں دیکھتی ہوگی. یوں تو کربلا میں ہر قربانی ایک سے بڑھ کر ایک تھی مگر رباب کے بچے سے بڑی قربانی کسی اور نہیں تھی. امام حسین نے جب جناب قاسم نے آ کر امام حسین سے پوچھا چچا جان مجھے شہادت کی اجازت ہے اور امام نے حضرت قاسم کو لوٹا دیا. پھر کچھ دیر کے بعد جناب قاسم آئے تو اب جناب قاسم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے جانے کی اجازت ہے. پوچھا چچا جان میرا نام شہیدوں میں ہے آپ جب چاہے بھیجیے گا مگر مجھے اتنا بتا دیجیے میرا نام شہیدوں میں ہے. امام حسین کی زبان مبارک سے ایک جملہ صادر ہوا. حضرت نے فرمایا اے قاسم تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. تو جب یہ کہا نا امام حسین نے کہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی محفل شہادت میں ہے حضرت قاسم نے انوائی دی اور جوش ہاشمی بھرتے ہوئے کہا حل یسرون اگر خیمہ یہ دشمن کیا خیموں میں آ جائے گا.
अजीब अल्लाह अतदारो मजलिस में खवातीन भी बैठी है, इनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और आज खाने की इस मजलिस में जो भी औलाद खातून और जो भी औलाद मर्द बैठे हुए हैं, मैं उन जोरों से कहूँगा कि जरा नज़्म मान लीजिए हजरत अली असगर की मजलिस करवाने की, कि हर साल हजरत अली असगर की आप मजलिस करवाएंगे, बिना में अली असगर मजलिस से अल्लाह मुनाफ़िक करेंगे, और यहाँ से अपनी औलाद की दुआ मांग के चलिए। खवातीन बैठी है ना, छोटे छोटे बच्चों की माँ बैठी है ना, सलाम हो जनाबे रबाब पर, बड़ा जिक्र था जनाबे रबाब का, बड़ा मकाम है जनाबे रबाब का इमाम हुसैन के नजदीक। इमाम हुसैन अपने अशआर में फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहाँ रबाब और सकीना नाम की औरतें हैं। कभी और फरमाया कि इमाम हुसैन को वो घर अच्छे लगते हैं जहाँ रबाब और सकीना नाम की औरतें होती हैं, इसलिए कि सकीना ने भी वफादारी का हक अदा कर दिया और जनाब रबाब ने भी अपनी पूरी कमाई इमाम हुसैन को कुर्बान कर दिया। क्या था जनाब रबाब के पास? रोने वालों आप रो रहे हैं ना, आपकी आवाजें बंद हो रही है। जनाब रबाब के पास या सकीना थी या हमीस था? जनाब रबाब ने अपने दोनों बच्चे इमाम हुसैन के हवाले कर दिए, एक को करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया, एक को जिंदा ने शाम में दफन कर दिया। जब शाम से रिहाई पाकर जा रहा था ये काफला, तो जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से फरमाया था, ज़ैनुलाबदीन महफिलों पर बीबियों को बिठाओ। जब सारी बीबियां महफिलों पर बैठ गईं तो इमाम सज्जाद ने कहा, बीबी अम्मा अम्मा रबाब दिखाई दे रहे। जनाब ज़ैनब से फरमाया इमाम सज्जाद ने, मुझे अम्मा रबाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, मुझे मालूम है मेरी भाभी रबाब कहाँ है, कहाँ 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 है, क्या मेरे साथ सुहा पाओ। अब आगे आगे बढ़िए जनाबे ज़ैनब। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने जिंदाने शाम में कदम रखा, क्या देखा, कब्रे सकीना से जनाबे रबाब ऐसे लिपटी हुई है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए। आवाज देकर कहा जनाबे ज़ैनब ने, भाभी काफला तैयार हो गया, थक्कर नहीं रोएगा जनाबा का रोना आ रहा, भाभी काफला तैयार हो गया, चलिए। तो उस वक्त जनाबे रबाब ने एक नहीं कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ ज़ैनब मेरा मदीने में क्या है, मेरा वाली करबला में है, मेरी बच्ची जिंदाने शाम में है। सुनेंगे नज़रों, जनाबे जनाबे रबाब का कब्रे सकीना से उठना बहुत मुश्किल हो गया था। अल्लामा दीक्षाना नजमादी ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है, वो फरमाते हैं, जलते हुए खैमे से जुलूस निकलता है और करबला में जाकर
जुलूस हमारे घर से निकला, हम उस रास्ते पे आगे चले जहाँ से जुलूस को गुजरना था, ताकि हम इंतजाम देख सके कि कैसे इंतजाम थे। अभी हम गुजर रहे थे कि चौराहे के ऊपर हमने देखा हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी है जिनकी गोदियों में शीर भार बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हिंदू औरतें लिए खड़ी है। जब हम के बराबर से गुजरे तो उनमें से एक औरत ने कहा, भाई मुसलमान लगते हो? तो मैंने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगे बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब? तो कहने लगे मैंने उनसे पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता आज रबाब का बच्चा भूखा मारा गया था, बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अजरक मन अल्लाह आवाजों को आजाद रखे गए के लिए ये बातें गलत होगी कि तो मैं जाकर साथ देखे दुआएं नसीब हो। अजरक मन अल्लाह मेरे वादा इमाम हुसैन ने जब आवाज इस तलाशा बुलंद किया ना हर उम्मे मुनासिले दुनिया में सोना कोई है जो हमारी मदद करे, कोई है जो हराम रसूलुल्लाह की मदद करे। एक मरतबा खैमों से बीवियों के रोने की आवाजें इमाम ने कोई थोड़ा थोड़ा करीब आके खड़े हुए बहन जैनब अभी हुसैन जिंदा है तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो जनाब जैनब आगे बढ़ के कहती है भैया जब आप मदद के लिए पुकारते हैं ना तो अली अजहर खुद को झूले से कहना चाहता है। इमाम ने फरमाया इसकी माँ से कहो कि इसको मेरी गोद में ला के दे दे, मैं इस बच्चे को दूध पिलाकर दे रहा हूँ, मैं इस बच्चे को पानी पिलाकर दे रहा हूँ, मैं इस बच्चे की जिदा का इंतजाम करूँ। जनाब रबाब ने उजरा सा कुर्बा पहनाया और जनाब अली असगर को इमाम हुसैन की गोदी में दे दिया। इमाम लेके चले हैं कौम अशिया के सामने और आवाज लेकर कहा कि अगर मैं खताकार हूँ तो इस बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, मैं इस बच्चे को पानी पिला रहा हूँ। जब कोई जवाब नहीं आया तो इमाम ने फरमाया अली असगर तुम बताओ कितने प्यासे हो? तो जनाब अली असगर ने अपनी सूखी जबान खुश होठों पर फेरना शुरू किया। मरतबा इसे जब तीर चलाया है बच्चे ने मोहम्मद के गले में तीर ले लिया, इमाम के चुल्लू में अली असगर के गले का खून आता चला गया। अजरक मल्ला इमाम ने उस खून को एक मरतबा आसमान की तरफ बढ़ाया तो आसमान से आवाज आई कभी पानी नहीं बरसेगा। इमाम ने उस खून को जमीन की तरफ बढ़ाया तो जमीन से आवाज आई कभी फसलें नहीं उगेंगी। मैं पूछता हूँ अपने रोने वालों से वो खून कहाँ गया? इमाम ने अपने चेहरे पर उस खून को लगाया, हालत में उठाया जाऊंगा, मैं अल्लाह से सवाल करूंगा बेहिये कब मिन वतन, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया? अजरों का मल्ला अजरों का मल्ला आवाजें बुलंद हो रही है, मजलिस भरपूर है। मेरे मौला ने हजरत अली असगर तलाश अपनी गोद में लिया, गर्मी शदीद थी अदारों, इमाम ने अबा का दामन अली असगर के लाशे पर डाल दिया। बच्चे का लाशा लेके चले हैं, सुने के जुमला कहो इमाम ने लाशे तो बहुत उठाए हैं मगर ये ऐसा लाशा है जो सैन से उठ नहीं रहा। कभी सात कदम आगे जाते हैं कभी उल्टे पैर वापस आते हैं नजर में रजा यही वो तस्लीम अल्लाह पे। इसी हालत में इमाम हुसैन है कि सैन से पर्दा हटा, इमाम ने क्या देखा कि सकीना खड़ी है, बीवी ने कब देखा कि भाई बाबा की गोद में है और बदन में हरकत नहीं है, तो बीवी शायद ये समझी कि भाई ने पानी पी लिया है। तो वहीं से आवाज लेकर कहती है बाबा मैं भी प्यासी हूँ, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, मुझे भी पानी पिला रही है। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सकीना की आवाज बुलंद होने लगी तो खैबर से फिर पर्दा हटा। अब इमाम ने क्या देखा कि इस बच्चे की माँ खड़ी है, जनाब रबाब दरवाजे पर खड़ी है। इमाम ने जनाब रबाब को देखकर कहा रबाब बताओ मैं कौन हूँ? अजीब सवाल था जो हुसैन कर रहे थे, रबाब बताओ मैं कौन हूँ? जनाब रबाब ने इमाम को गौर से देखकर कहा आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप मेरे वाली हैं। जब इमाम हुसैन ने ये सुन लिया अबा का दामन हटा दिया। एक इमाम ने गोद में लथपथ बच्चा देखा, एक मरतबा नन्हे नन्हे लबों पर दम रख दिए, बोसे लेते नहीं और एक जुमला कहा जनाब रबाब ने, अजरो कमल अल्लाह एक जुमला कहा जनाब रबाब ने और जुमले का पस मंजर ये है, अजरो कमल अल्लाह जुमले का पस मंजर ये है कि अरब दूध पीता हुआ ऊंटनी का बच्चा नहक नहीं रखा। अगर
صدقے کے لیے نظر آپ اکیلیا بھرپور ہے. جب آپ نے فرمایا کہ باپ یہ گھوڑوں کی کا خیمے کے کچھ پکڑے ہیں عجیب تشیہ جنازہ ہے. باپ نے میت اٹھائی ہوئی ہے, ماں تشیہ جنازہ کر رہی ہے. لیکن آئے ہیں خیمے کے کچھ پر ایک ندی سے قبر ہوتی ہے. امام نے اپنے بچے کو قبر میں لٹایا ہے. پیروں کی جانب سے اجر کو اللہ پیروں کی جانب سے گرم ریت ڈالنا شروع کی امام حسین نے. میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں, جب یہ گرم ریت علی اصغر کے چہرے تک آئی ہوگی تو کیا کہا ہوگا حسین ابن علی نے؟ اے علی اصغر تمہیں پانی تو نہ پلا سکے, یہ گرم ریت کی گرم ریت کو بات اجر کو اللہ اجر کو اللہ. ایک منزل اور دے رہا ہوں, آپ نے گریا بہت کر لیا ہے جناب آپ نے اور امام حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا. شاید جناب رباب کو یہ تسلی ہو گئی ہو میرا بچہ بچ گیا. لیکن جب کربلا کے میدان میں سر گنے جانے لگے آواز آئی, ایک چھوٹا بچہ تھا جسے حسین نے خیمے کے پشت پر لٹکایا تھا. تیزا مندار ظالم آگے بڑھے, تیزے زمین میں گاٹتے رہے. کیا منتر تھا رباب خستہ جگر کے لیے کہ جب ایک تیزا زمین میں گیا لاشے کے ساتھ آیا. خالی جھولا جھلاتی رہ گئی.